भैया बहनों, ऑनलाइन कक्षा में स्वागत। कक्षा दसवीं विषय गणित दिनांक 16/9/2020। अपने अध्याय चल रहा है 5, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में अपन प्रकरण ले रहे हैं समांतर श्रेणी का योगफल। आज अपन प्रश्नावली 5.3 के सवाल पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, एनवां पद 33 है तथा पहले एन पदों का योग 123 है, तो अपन को एन यानी पदों की संख्या एन तथा सार्वान्तर डी ज्ञात करना है। अपन को क्या क्या दिया हुआ है? प्रथम पद 8 अर्थात ए का मान 8, प्रथम पद 8, एन व पद यानी ए एन बराबर 33, ये एन व पद, पहले एन पदों का योग एस एन बराबर 123 और अपन को एन ज्ञात पदों की संख्या ज्ञात करनी है और सार्वान्तर डी ज्ञात करना है। अब देखिए, अपन को ए एन दिया हुआ है, ए एन बराबर है 33, क्यों है ये दिया है। अब ए एन का सूत्र ले देंगे, ए एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर इसका मान है 33। अब मान रख देंगे अपन, ए का मान अपन को दिया हुआ क्या 8, 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 33, या अपन क्या करेंगे, हम 8 का पक्षांतर कर देंगे इधर, एन माइनस वन इंटू डी बराबर 33 माइनस 8, या एन माइनस वन इंटू डी बराबर 25। अब यहां पर अपन को नजर एन का मान, अपन को एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है, तो अपन ये अब इसको आगे हल नहीं कर सकते, तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर अपन को क्या दिया हुआ है, एस एन एन पदों का योग 123, तो एन पदों का योग एस एन बराबर दिया है 123, तो एस एन का अपन सूत्र लिख देंगे, एन पदों का योग का सूत्र क्या होता है, एन बटा दो इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 123। अपन को किस किस का मान दिया हुआ है, देखो यहां पर अपन मान लिख देंगे, एन का मान ज्ञात करना है और अपन को ए का मान दिया हुआ है ये रहा, और एन माइनस वन डी का मान समीकरण 1 से रख देंगे। यहां लिखेंगे अपन, यहां ए बराबर 8 और एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना है 25 रख लेंगे, रख देंगे इसमें, तो एन बटे दो गुना टू ए, ए का मान 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी का मान 25 रख देंगे सीधा, 25 बराबर 123, 125 बराबर 123। अब इसको हल कर देंगे, या एन बटा दो गुणा दो आठी 16 प्लस 25 बराबर 123, या एन बटे दो गुणा 25 और 16 41 बराबर 123, या 41 एन बराबर आ गया 123 इंटू दो 246। यहां क्या क्या अपन ने वज्र गुणा किया है, वज्र गुणा करने पर या एन बराबर कितना आ गया 246 बटे 41, 41 से भाग देंगे, 41 में 41, 41 छक्का 246, एन बराबर कितना आ गया 6, तो अपन एन का मान ज्ञात हो गया है।
अर्थात पदों की संख्या 6 होगी। अब उनको डी और ज्ञात करना है, तो डी मान ज्ञात करने के लिए अपन एन का मान समीकरण एक में रख देंगे, एन का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक लिख लेंगे एन माइनस वन इंटू डी बराबर है 25। तो एन का मान कितना है 6 माइनस एक इंटू डी बराबर 25, या ये समझे के 5d बराबर 25 या डी बराबर 25/5 या डी बराबर 5। तो अपन ने देखो यहां पर दो बातें पूछ रहे हैं, एन पदों की संख्या 6 और साधारण डी 5। इस प्रकार इस एमपी के पदों की संख्या एन का मान 6 और साधारण डी का मान 5 होगा, ये उत्तर है। अतः एन बराबर 6 और डी बराबर 5 उत्तर। इसका अपन ने एन का मान और डी का मान ज्ञात कर लिया है। अब अपन इसी प्रश्न का सवाल नंबर 10 समझेंगे। सवाल नंबर 10 क्या है, एक टीवी यानी टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा सातवें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रति वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए, यानी उनको ज्ञात करना क्या, प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना बार टीवी का, दसवें वर्ष में कितना उत्पादन होता है और सात वर्ष में कुल उत्पादन कितना है, सात वर्ष में उत्पादन का योग, सात वर्ष में उत्पादन का योग कितना है, सात वर्ष में उत्पादन का योग कितना है। तो देखो अपन को माना कि पहले वर्ष टीवी उत्पादन कितना ए, यानी प्रथम पद ए हो गया। अब यहां पर उनको दिया हुआ क्या, तीसरे वर्ष में उत्पादन एन ए थ्री बराबर 600 और सातवें वर्ष उत्पादन, तो ए थ्री बराबर 600, ए थ्री का मानक रूप का सूत्र क्या होता है, ए प्लस टू डी बराबर 600, ये समीकरण होगा एक। फिर सातवें वर्ष का उत्पादन, सातवें वर्ष में उत्पादन एंड ए सेवन बराबर है 700, तो ए सेवन का मानक रूप का सूत्र है ए प्लस सिक्स डी बराबर 700, ये समीकरण हो गया दो। अब अपन क्या करेंगे, ये दो अपन को ए और डी दोनों ज्ञात करने हैं, तो समीकरण एक और दो को हल करके ए का मान और डी का मान ज्ञात कर लेंगे। ए का मान आएगा तो प्रथम वर्ष का हो जाएगा, तो समीकरण एक और दो को, समीकरण एक व दो को हल करेंगे करने पर, तो अपन विलोपन विधि से इनको हल कर देंगे, ए प्लस 2d बराबर 600 और a प्लस 6d बराबर 700। अब समीकरण एक में से दो को घटा देंगे, तो माइनस 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 यहां लिखेंगे, घटाने पर a से a कट गया, 2d में से 60 गए, माइनस से 4d बच गए, 600 में से 700 गए, माइनस 100 बच गए, डी बराबर माइनस 100/-4, माइनस माइनस कट गया 25 आ गया, तो डी बराबर कितना आ गया
25। अब पहले पद का उत्पादन बी का मान कितना आ गया 25। अब अपन को क्या पूछा है, ये प्रथम पद का उत्पादन कितना होता है, तो इस बी का मान समीकरण एक में रख देंगे, लिखेंगे बी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक ये रख देखो आप, ए प्लस टू डी बराबर 600, ए प्लस टू बी का मान 25 निकाल दिया अपन ने, 25 रख देंगे बराबर 600, या ए प्लस 25 दूना 50 बराबर 600, पक्षांत कर दिया ए बराबर 600 माइनस 50 550। ये अपन ने क्या माना था, पहले वर्ष का उत्पादन, अतः पहले वर्ष का उत्पादन कितना है 550। एक उत्तर हो गया अपने, अतः पहले वर्ष का उत्पादन कितना हो गया 550 पीवी। अपन को क्या क्या करने हैं, दसवें वर्ष का उत्पादन, तो दसवें वर्ष का उत्पादन निकाल लेंगे, दसवें वर्ष में उत्पादन तो ये यहां पर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से क्या करते हैं, a का मान 550 प्लस एन 10 माइनस एक डी, डी का मान पर क्या पूछे 25, तो 550 प्लस 9 गुणा 25 जगह 550 प्लस 25 225, 550 जोड़ देंगे कितना हो गया 775 पीवी। तो दसवें वर्ष में उत्पादन कितना हुआ 775 पीवी। अब तीसरे नंबर का प्रश्न क्या पूछा है, सात वर्ष में कुल उत्पादन कितना हुआ, कुल उत्पादन कितना हुआ यानी योग, सात वर्ष में उत्पादन की गई टीवियों का योग, तो सात वर्ष में उत्पादन का योग एस सेवन क्या करेंगे, तो एस एन का सूत्र क्या होता है, एन बटा दो गुणा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहां मान रख देंगे एन बराबर कितना है यहां पर सात, सात वर्ष का निकाल रहे हैं बराबर सात, सात में दो गुणा टू ए, ए का मान कितना है 550 प्लस एन का मान सात माइनस वन इंटू डी, डी का मान 25, यह हो गया सात बटे दो गुणा 550 इंटू दो 1100, सात में के छह, छह गुना 25 150, ये हो गया सात बटे दो गुणा 1250। अब दो से 1250 करके कितना हो गए 4375 पीवी, कितने हो गए 4375 पीवी। अतः वो टीवी निर्माता है वो पहले वर्ष में 5000 टीवी का उत्पादन करता है, दसवें वर्ष में 775 टीवी का उत्पादन करता है, और सात वर्ष में टीवी का उत्पादन कुल कितना होता है 4375 टीवी। इस बार आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे, गृह कार्य में आपको 5 3 के सवाल करने हैं।